बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदनान शरीफ है, मैं पाकिस्तान कराची से हूँ और स्पेशली आज दोबारा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बाइक राइडर्स के ऊपर। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, और अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो उसके बारे में हमें कमेंट्स करके बताएं, और हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरा एक चैनल है फन विद अदनान के नाम से, उसे भी फॉलो करें, और एक्सप्लोर दुबई को भी फॉलो करें, और एक और चैनल है इन्फोटेक दुबई इन्फोटेक। तो दोस्तों आज मैं टोटली आपको बाइक राइडर्स के बारे में बताऊंगा कि वो डिलीवरी कैसे पिकअप करते हैं और कैसे डिलीवर करते हैं, और कस्टमर को कैसे डील किया जाता है, और किसी रेस्टोरेंट से कैसे आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों डिटेल में पूरी आज वीडियो आपको बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप बहुत इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी दोस्त यहाँ पे न्यू हैं और जो इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि डिलीवरी के काम में किस तरीके से, फूड डिलीवरी के काम में कैसे बंदे को डिलीवरी पिकअप करनी है और कैसे डिलीवर करनी है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें, तो आज इंशाल्लाह पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे कि किस रेस्टोरेंट पे जाके आपको किस तरीके से डिलीवरी पिक करनी है और किस तरीके से आपको डिलीवरी डिलीवर करनी है। तो दोस्तों दो एप्लीकेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एक का नाम है 2GIS और एक का नाम है गूगल। और इन दोनों के में से जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं 2GIS एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, जिसका मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये इस वक्त 2GIS मेरे पास एप्लीकेशन है, तो इसको हमने ऑन किया। 2GIS एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद क्या नाम है, आप देख सकते हैं कि अगर आपको बुर्जुमान से या किसी भी जगह से जाना है तो आपने सबसे पहले रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पे 2GIS में जाके लिख देना। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ किसी रेस्टोरेंट का नाम, KFC लिख देता हूँ बुर्जुमान। तो ये KFC बुर्जुमान मैंने इसमें लिख दी है, KFC बुर्जुमान देखें आप, और मैं इसे कर देता हूँ KFC बुर्जुमान। के बाद मैंने इसको मतलब लोकेशन पे लगा दिया। लोकेशन पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी एक बनी हुई है, तो आप गाड़ी पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी लोकेशन स्टार्ट होगी यहाँ पे गो का ऑप्शन आ जाएगा, और आपको गो के ऑप्शन पे जाके क्या करना है, उसको स्टार्ट कर देना है, और इसको अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पर लगा देना है, और आपने इसको फॉलो करके अपनी लोकेशन पर पहुँच जाना है। तो दोस्तों ये तरीका कार होता है, आप उसको फॉलो करते रहें। देखें जैसे कि ये अभी इस वक्त आपको कैमरास वगैरह भी शो करेगी, आपको स्पीड ब्रेकर्स भी शो करेगी, और यही एप्लीकेशन में आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी कि आपको रोड की स्पीड कितनी रखनी है, और मतलब आपको टोटल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। ये जो एप्लीकेशन है ये विदाउट इंटरनेट चलती है, तो दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल करना है। और अभी मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ किस तरीके से ऑर्डर कलेक्ट करना है और किस तरीके से ऑर्डर डिलीवर करना है। हाँ, तो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपने KFC से ऑर्डर पिकअप करना है या पिज़्ज़ा हट से आपने ऑर्डर पिकअप करना है, तो आपको क्या करना है, वही जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया। 2GIS खोलें, 2GIS ओपन करने के बाद आपने टक 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 लोकेशन डाली। लोकेशन डालने के बाद आपको क्या करना है कि आप उस रेस्टोरेंट की तरफ अपनी लोकेशन पे मूव करते रहेंगे। जैसे ही वो आपको वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई अभी 2 किलोमीटर रह गया, भाई अभी 1 किलोमीटर रह गया, अभी 500 मीटर रह गया। तो दोस्तों ये जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद एप्लीकेशन है, तो आप इसका बहुत इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि आपको ऑर्डर कैसे कलेक्ट करना है और ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी लोकेशन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही आपने अपना मोबाइल दिखाना है, आपने वो ऑर्डर का असाइन, जो भी नंबर एक असाइन करते हैं कि यार ये ऑर्डर इस राइडर के ऊपर हमने असाइन किया है, तो आप उसके पास फ़ौरन जाते हैं और वो अपना नंबर दिखाते हैं कि सर मेरा ये नंबर है और मैंने इस तरीके से मतलब के मुझे कंपनी दी तो मुझे ऑर्डर, तो आपका ऑलरेडी उनके पास रिकॉर्ड पहुंच गया होगा। तो आपने सबसे पहले जाके वहाँ पे क्या करना है, उनसे सलाम लेना है, उनसे ब्लेसिंग्स करनी है, अगर कोई मतलब वो हाउ आर यू इस तरीके से आपने उनके साथ सब चीज़ें बात करनी है। तो बात करते ही जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा आपने ऑर्डर कलेक्ट कर देना है, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि ऑर्डर कलेक्ट ना, तो आपने ऑर्डर कलेक्ट पे क्लिक कर देना है, और अपना ऑर्डर पिकअप करते ही आपने वहाँ से फिर दोबारा से आपको लोकेशन पता लग जाएगी कि आपने मनखूल में जाना है, आपने फहीदी में जाना है, या आपने डेरा में जाना है, या आपने शेख जायद रोड पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाना है, किसी भी जगह जब आपने जाना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सीधा सीधा क्या करना है, 2GIS पे जाना है। 2GIS पे जाके आपने लिख देना है कि अगर आपने बिजनेस पे जाना है तो आपने जाके लिख देना है, और बुर्ज खलीफा दुबई मॉल जाना है तो आपने जाके उधर लिखना है बुर्ज खलीफा दुबई मॉल, और वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपको लोकेशन मिलेगी तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, और आपकी
क्या नाम है स्टार्ट हो जाएगी फिर। फिर दोबारा से आपने उसी तरीके से 2GIS को यूज़ करना है और आपने अपनी लोकेशन डाल के अपनी मंजिल को स्टार्ट कर देना है, तो आप आराम से जाएंगे वहाँ पे इजीली। और वहाँ पे जैसे ही आपके पास आपका लिखेगा यू अराइव्ड, आपका लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपने क्लिक कर देना है और अपनी मंजिल की तरफ चले जाना है। और फिर जाके अपने जो कस्टमर होगा उनका रूम नंबर मिलता है, या आपके पास कोई एमिरेट्स आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई सिक्योरिटी वाला आपसे पूछता है कि भाई अपनी एमिरेट्स आईडी दिखाएं या अपनी कोई भी ऐसी शिनाख्त वाली या लाइसेंस कुछ भी हो, तो आपको उनके पास रखवाना पड़ता है। फिर वो आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड दे के आपने जाना है उस बिल्डिंग में अपना ऑर्डर डिलीवर करना है। अगर वो कैश ऑर्डर होता है तो आपने कैश ले लेना है, अगर वो ऑलरेडी पेड ऑर्डर होता है तो बस आपने उनसे एक सिग्नेचर होता है वो लेना होता है। तो ये दोस्तों मुख्तसर था तरीका कार होता है जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं कि यार क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो उन्हें थोड़ी सी टेंशन रहती है कि यार पता नहीं मैं कैसे जॉब करूंगा, किस तरीके से ऑर्डर पिकअप करूंगा, किस तरीके से डिलीवर करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहें। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।